दर्जनों कैमरे, सैकड़ों की भीड़ और इन सब के बीच घिरा हुआ एक शख्स। ये कौन है और इसने अपने कोट पर ये कौन सा साइन लगाया हुआ है? इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो देखकर ये लगेगा कि इस शख्स का वहां खड़ी जनता विरोध कर रही है और हो भी यही रहा है। इस एक शख्स का विरोध कर रही है वहां खड़ी जनता, लेकिन क्यों और इस शख्स से उस जनता की मांग क्या है, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि ये शख्स कौन है। दरअसल ये है पोलैंड में रूस के राजदूत, इनका नाम है सरगई एंड्री। विक्ट्री डे के मौके पर ये सोवियत सैनिकों के वारसा स्मारक पर माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे। इन सबके बीच यूक्रेन समर्थक लोगों ने इन्हें वहां घेर लिया। इनसे वो मांग करने लगे कि इनके कोट पर लगा विक्ट्री डे का साइन हटाया जाना चाहिए, लेकिन पुतिन का ये खिलाड़ी अड़ा रहा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि बेहद शान भाव से खड़े रूसी राजदूत तमाम लोगों के प्रतिक्रिया को सुन रहे हैं। लोग उनके सामने नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। रूसी राजदूत का ये तरीका इंटरनेट पर वायरल हो गया। हर कोई ये देखकर हैरान रहा कि आखिर इतनी भीड़ के आगे रूसी राजदूत घबराए क्यों नहीं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे एक बात तो साफ है, वो ये कि पुतिन के ये राजनयिक बड़े कमिटमेंट वाले हैं। यूक्रेन समर्थक लगातार रूस के आक्रमण का विरोध कर रहे हैं। वो विरोध जता रहे हैं कि रूस लगातार यूक्रेन में हमला करके लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। जो प्रदर्शन हो रहा था उनका कहना है कि वो रूसी दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ रहा है। दुनिया को वास्तविक स्थिति के बारे में उनकी बताने की कोशिश है और इसीलिए रूसी राजदूत सरगई एंड्रीव के मार्ग को रोका गया। लेकिन रूसी राजदूत भी अड़े रहे और उन्होंने विक्ट्री डे का साइन अपने कोट पर से नहीं उतारा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।